एक बार फिर जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर देर रात दो धमाके हुए। इन धमाकों में अब ड्रोन से आईईडी गिराने की आशंका भी जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन के जरिए आईईडी गिराया गया था, जिससे धमाके हुए। दरअसल जम्मू एयरपोर्ट स्थित एयरफोर्स स्टेशन के अंदर बीती रात दो धमाके हुए। पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ, तो वहीं दूसरा धमाका ठीक 5 मिनट बाद यानी कि 1:42 पर हुआ। जम्मू कश्मीर में बीती शाम सीआरपीएफ के बंकर पर आतंकी हमले के बाद देर रात जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में दो धमाके हुए हैं। मौके पर फॉरेंसिक टीम और एक्सपर्ट घटनास्थल पर पहुंची थी और मुआयना भी किया गया। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर घटना के संबंध में वाइस एयर चीफ एयर मार्शल एचएस अरोड़ा से बातचीत की। एयर मार्शल विक्रम सिंह स्थिति का जायजा लेने जम्मू कश्मीर पहुंचे। वहीं इस मामले को लेकर वायुसेना ने जानकारी दी है। वायुसेना ने ट्वीट कर बताया कि पहला धमाका बिल्डिंग की छत पर और दूसरा धमाका जमीन पर हुआ है। धमाके से सिर्फ बिल्डिंग की छत ही डैमेज हुई है, लेकिन इस हमले में सभी लोग सुरक्षित हैं। किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हमले की घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को कुछ ही मिनटों में सील कर दिया। सूत्रों ने बताया कि वायुसेना अड्डे पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। जम्मू हवाई अड्डा एक असैन्य हवाई अड्डा है। आपको बता दें कि इन धमाकों को अंजाम देने के लिए दो ड्रोन का इस्तेमाल करने की बात भी सामने आ रही है। इस बात की आशंका और भी गहरी इसलिए हो जाती है क्योंकि असला बारूद गिराने वाले ड्रोन को रडार में पकड़ने की दिक्कत भी आती है। पहले भी कई बार ऐसे ड्रोन रडार की पकड़ में आने से बच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।